फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब के चैनल में। मेरे पीछे देख सकते हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फिर से लखनऊ छपरा फरुखाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का रेक आ गया है। रात में इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ये रेक 12 बजे के करीब में आया था और अब इसको फिर से मेन लाइन पर खड़ा कर दिया गया है। बीच में इस रेक को हटाने की केवल एक ही वजह है, क्योंकि अधिकारियों का निरीक्षण हो रहा था और मेन लाइन खाली रहना बहुत जरूरी था। जैसे सीआरएस साहब आ रहे थे तो उनकी ट्रेन नॉन स्टॉप गुजरना था, जीएम साहब का भी दौरा होना था, तो इस वजह से जो लखनऊ छपरा फरुखाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का जो रेक है उसको यहाँ से हटाया गया और फिर से दोबारा अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निरीक्षण नहीं है, तो यहाँ पर लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा कर दिया गया है। आप लोगों को थोड़ा सा कोहरे का व्यू भी दिखाते हैं सामने से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज पहला कोहरा पड़ा है। इतना गहरा कोहरा है कि आप लोगों को आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये देखिए लखनऊ छपरा फरुखाबाद, पूरी ट्रेन का व्यू नहीं दिखाएंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3, आपको आखिरी कोच पर लेकर चलते हैं जहां पर साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसका एक छोटा सा व्यू दिखाते हैं। तो कई रेक हैं, एक लखनऊ सिटी पर भी पार्क किया हुआ है, बिस्वा रेलवे स्टेशन पर भी पार्क किया हुआ है और सिधौली से इस रेक को यहाँ पर लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पार्क किया गया है। आपको 0586 नंबर की जो ट्रेन है उसका एक छोटा सा व्यू दिखाते हैं कि कोहरे में वो ट्रेन दिखाई नहीं पड़ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, छपरा एक्सप्रेस लखनऊ छपरा फरुखाबाद 1554/1553/1583/1584 एक छोटा सा व्यू है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाते हैं 0586 ट्रेन का एक छोटा सा व्यू कोहरे में आते हुए, कितना हल्का व्यू रहेगा उसका आप लोग देखिएगा। अभी जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर के करीब में है, आप देख सकते हैं 100 मीटर दूर दूर ट्रेन है, जबकि सुबह तो ये विजिबिलिटी तो इतनी भी नहीं थी, सामने आदमी भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो चलिए वापस स्टेशन की तरफ। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स किस तरह से कितना घना कोहरा था जब 0586 ट्रेन आ रही थी, यानी कि लखनऊ से मैलानी के बीच में चलने वाली अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन, ये सीतापुर की दिशा हो गई है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।